भारत के प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अगले 10 साल स्वर्णिम रहने वाले हैं, यानी ढेर सारा निवेश और आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत तेजी से बढ़ेगा। ये दावा हम नहीं बल्कि अमेरिका के टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट MR रंगास्वामी का है। रंगास्वामी ने कहा है कि अमेरिका और भारत सहित कोरोना महामारी पूरी दुनिया में पैर पसार चुकी है, बावजूद इसके भारत को जो निवेश मिला है वो शानदार है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना महामारी के बावजूद भारत को 20 अरब डॉलर का निवेश मिला है। दुनिया भर की कंपनियां इस महामारी से प्रभावित हुई हैं। सॉफ्टवेयर कारोबार क्षेत्र के दिग्गज रंगास्वामी ने कहा कि मुझे लगता है कि अगले 10 साल भारत के लिए काफी अहम होंगे। भारत के हर क्षेत्र, चाहे वो औषधि हो, टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स या लॉजिस्टिक डिजिटल और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है। बाजार के हर क्षेत्र, यहाँ तक कि किराना दुकानों में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये एक स्वर्णिम अवसर है जिसका भारत को फायदा उठाना चाहिए। भारत में FDI का जिक्र करते हुए रंगास्वामी ने कहा कि ये किसी भी तरीके से असाधारण है। हाल के महीनों में भारत में गूगल ने 10 अरब डॉलर, फेसबुक ने 5.7 अरब डॉलर, वॉलमार्ट ने 1.2 अरब डॉलर और फॉक्सकॉन ने 1 अरब डॉलर का निवेश किया है। मुझे लगता है कि इस साल भारत में इस तरह के और सौदे देखने को मिलेंगे। भारत में और अधिक निवेश जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी Amazon भारत में निवेश जारी रखेगी और कंपनियों की निगाह भी भारत पर है। निजी इक्विटी कंपनियां भी भारत में निवेश करना चाहती हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की प्रशासन ने भी चीनी कंपनियों पर अविश्वास जताया है। इसलिए चीन और हांगकांग से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद के तौर पर बनकर उभरा है। अमेरिकी कंपनियों ने जनवरी से 15 जुलाई तक भारत में 17 अरब डॉलर यानी करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। दरअसल सिलिकॉन वैली की कंपनियां काफी समय से चीन को छोड़ रही हैं, जिसके लिए चीन का सेंसरशिप मैकेनिज्म जिम्मेदार है। इसके अलावा चीन का हांगकांग में थोपा गया नया सुरक्षा कानून भी एक बड़ा मुद्दा है। मामले में फेसबुक, गूगल और ट्विटर का कहना है कि वो हांगकांग सरकार के साथ डेटा साझा करना बंद कर देंगे। वहीं टिकटॉक ने हांगकांग को छोड़ने का फैसला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।